ये व्हाट्स अप एवरीवन, मैं फरगान हूं। आज मैं लेके आया वीडियो, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पबजी का एक बहुत अच्छा एक सीक्रेट बताने वाला हूं। यार आप लोगों ने वो तो खेला ही होगा चाइनीज वर्जन पबजी का, तो उसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चाइनीज वर्जन में एक तो इधर में ऑप्शन दिया रहता है, तो ये ऑप्शन है हम लोग को चेंज करने का फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में और थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में। तो यार इधर में एक ऑप्शन मिल जाता है, और पीसी में भी अगर आप खेलते होंगे तो फिर उधर में भी आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है इन गेम, मतलब गेम के अंदर ही फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में और थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में जाने का। बट हमारा जो प्ले स्टोर से हम लोग पबजी डाउनलोड करते हैं उधर में आप लोग को कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलता कि आप मतलब चेंज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन से, मतलब चेंज करने का आपको कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इन गेम में ही फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में जा सकते हो या फिर वापस आ सकते हो। ओके, तो एक सिंपल सा आप लोग को ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हैकर्स कीबोर्ड। तो इधर में आप देख सकते हैं टॉप वाला वही ऐप है, तो यही है वो ऐप। आप लोग को ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो इधर में मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले, और ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो अब ये ऐप इंस्टॉल हो गया, और अब इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। और इधर में आप सबसे पहले ऊपर में देखिएगा कि आपको इनेबल कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले कीबोर्ड को इनेबल कर लेते हैं। तो आप लोगों को बस इनेबल में क्लिक कर देना, ओके प्रेस कर देना, बैक आ जाना, फिर इनपुट लैंग्वेजेस में जाना। इनपुट लैंग्वेजेस में जा करके आप लोगों को ऑब्वियसली इंग्लिश ही सिलेक्ट करना। तो इधर मैं सबसे पहले मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो इंग्लिश मैं सिलेक्ट कर लिया, और शेट एक और था इंग्लिश, मेरे को ये वाला इंग्लिश सिलेक्ट करना। कहाँ गया तो यूनाइटेड, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, फिर से बैक चल जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, सेट इनपुट मेथड भी सेट कर लेते। तो इनपुट मेथड में आप लोग को सिंपली ये हैकर्स कीबोर्ड में आप लोग को सिलेक्ट कर देना बस, ओके। फिर आप लोग को नेक्स्ट क्या है वो आप लोग को जाना है अपने सेटिंग में। आ रहा फोकस तो हो जाओ, ओके। तो सेटिंग में फिर आप लोग को जाना है अपने, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग को सर्च करना है कि इनपुट एंड लैंग्वेज कहाँ पर है। तो वो बेसिकली हमेशा फ़ोन के सेटिंग में ही आप लोग को शो कर देगा, बट MI के फ़ोन्स में आप लोग को एडिशनल सेटिंग में शो करेगा। तो आप लोग को जाना है लैंग्वेजेस एंड इनपुट में, और उधर में जाने के बाद आप लोग को देखना है कि हैकर्स कीबोर्ड कहाँ पे। तो हैकर्स कीबोर्ड अपने को मिल गया बाहरी में, तो उसमें एक बार क्लिक कर देता है, और उसमें जाने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो फोकस नहीं ले रहा अभी, फोकस हो गया। और फिर आप लोग को जाना है नीचे में, और नीचे में एक तो ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा कि यूज़ परमानेंट नोटिफिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़ परमानेंट नोटिफिकेशन, ये रहा, आप लोग को इसको बस इनेबल कर देना। तो इससे क्या होगा, आप लोग का ये जो नोटिफिकेशन बार है, नोटिफिकेशन बार में आप लोग को ये जो ऐसा टाइप का नोटिफिकेशन है हैकर्स कीबोर्ड की तरफ से, वो आप लोग को परमानेंटली शो करेगा, चाहे आप कोई सा भी ऐप में हो। तो बस फिर आप लोग को जाना है अपने पबजी मोबाइल में, और पबजी मोबाइल में आने के बाद आप स्लाइड डाउन करिए, और ये जो हैकर्स कीबोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है इसमें एक बार क्लिक कर दीजिए, और फिर आप लोग को बस एक वी बटन जो इसमें है वो प्रेस कर देना बस एक बार। और वी बटन प्रेस करने के बाद आप इसको स्लाइड डाउन करिएगा तो ये नीचे चल जाएगा। और इधर में आप देख सकते हैं अभी मैं आ गया फर्स्ट पर्सन में डायरेक्टली मैं आ गया। और इधर मैं फिर से एक बार मैं अगर वी प्रेस कर देता हूँ तो वापस से मैं आ जाऊँगा अपने थर्ड पर्सन में। तो आप देख सकते हैं मैं थर्ड पर्सन में आ गया। तो बट इसमें भी एक तो प्रॉब्लम है आप लोग को। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप फर्स्ट पर्सन इधर में सेट कर रहे हैं, और फिर आप ये हैकर्स कीबोर्ड वाला आप चूज़ कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि फर्स्ट पर्सन ही में आप थर्ड पर्सन चल जाए, तो वैसे नहीं होगा। बट आप थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप इधर में आप अगर फर्स्ट पर्सन सिलेक्ट कर लियो, तो फर्स्ट पर्सन में सिलेक्ट करने के बाद आप थर्ड पर्सन में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि और सब लोग तो फर्स्ट पर्सन में खेलते होगा, और फर्स्ट पर्सन में खेलना थोड़ा टफ है। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन में रह करके थर्ड पर्सन में नहीं जा सकते हो। बट इधर में अगर आप इधर में थर्ड पर्सन में खेलते हो, चाहे वो आर्केड में खेले, कोई सा भी गेम में खेले, आर्केड का मैं श्योर नहीं बोल सकता, बट अगर आप थर्ड पर्सन में क्लासिक में खेलते हो, तो आप थर्ड पर्सन का गेम में आप फर्स्ट पर्सन का मज़ा ले सकते हो। तो यार बस यही एक प्रॉब्लम है, वरना फिर और सब तो ये आप ना चाइनीज़ वर्जन में भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ वर्जन में आप फर्स्ट पर्सन से या आप थर्ड पर्सन में चल जाए, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो यार यही एक प्रॉब्लम है, वरना फिर ये बहुत अच्छा एक तो ट्रिक था जिससे आप जा सकते हो कभी भी फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में और थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर देना। और यही था आज के इस वीडियो में। तो यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।